दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी। सरकाघाट सीएसडी कैंटीन में पिछले दो सप्ताह से तमाम प्रयास करने के बाद भी पूर्व सैनिकों की भीड़ काबू नहीं हो पा रही है। रोजाना सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ने पर हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ताउम्र फौज में रहने के बाद भी अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले खुद ही अनुशासन तोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि प्रबंधन के बार बार आग्रह करने के बाद भी 150 मीटर की लाइन में सैकड़ों पूर्व सैनिक बिना सोशल डिस्टेंस के एकत्रित हो रहे हैं, जिससे कोरोना महामारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है। मंगलवार को 3 दिनों की छुट्टी के बाद खुली कैंटीन में सुबह 5 बजे से ही कार्ड होल्डरों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई थी। जैसे ही 9 बजे कैंटीन के दरवाजे खुले और टोकन देने के लिए कर्मचारी आए तो भीड़ अनियंत्रित हो गई और कैंटीन प्रबंधन को व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। हाँ जनाब, आज यहाँ कंटीन में सामान आया हुआ है दोबारा, लेकिन जो लोग यहाँ पे अव्यवस्थित ढंग से खड़े हुए हैं, अगर इसी अव्यवस्था में रहे तो हम लोग कंटीन हमें मजबूरन बंद करना पड़ेगी। हम कम से कम भी 250 आदमी को सामान देंगे, अपना टोकन लें और टोकन लेने के पश्चात आप अपने साइड में चले जाएँ और जब नंबर आता जाए और अपना सामान लेते जाएँ। हम पूरी मदद करेंगे कि सबको सामान मिल सके। कैंटीन को सैनिटाइज वगैरह सब कुछ हो रहा है लिए। और जो थर्मल स्कैनिंग वगैरह, हाँ वो तो सामने आपके हो ही रही है, ऊपर लगो बंदा लगा हुआ है स्कैनिंग के लिए, थर्मल स्कैनिंग भी हो रही है। और ये जो इस तरह खड़े वो लोग हैं, अब इनको पुलिस बुलाते हैं, हम करते हैं इनको ज्यादा साइड में, या तो कंटीन बंद कर देंगे।